पर वो डॉक्टर वाकई ही पागल होती उनकी सेहत ख़राब होती तो मुझे ये बताएं कि अदालत फिर फिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, है, या जो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके ऊपर तो बहुत जहीर. सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफो अमान से होंगे और आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरा और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि दोनों साइड्स के जो लोग हैं जो उसके लड़की के वाले के हक हाँ में हैं और जो लोग नहीं हैं उसके वालदेन के हक़ हाँ में या जो लोग परी की साइड पे हैं वो सब लोग परेशान हुए जो कुछ भी आज कोर्ट में हुआ जिस तरह से हुआ जिस तरह से डॉक्टर साहिबा का बयान आया लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं सुबह से लेकर अब तक मैंने बहुत सी कॉल्स वसूल की अच्छा अब आज के वीडियो में आज का जो वीडियो है ये आप सबके लिए देखना बहुत जरूरी है अगर तो वाकई आप जानना चाहते हैं और अगर आप वाकई जहीर भरी केस में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें मैं आपको सबसे पहले तो वो सूट दिखाऊंगी जो उन डॉक्टर साहिबा को मिला और वो उन्होंने कोर्ट में जमा कराया और वो सूट जो उनको रिश्वत के तौर पर दिया गया और साथ में वो पाँच रुपए का नोट जो साथ में दिया गया वो आपको दिखाऊंगी दूसरे नंबर पे कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर साहिबा को पागल करार देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको दोनों डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी कि एक को तो चले आपने पागल बना दिया तो दूसरी तो पागल नहीं थी ना दूसरी की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी जिसके ऊपर शक का इजहार किया जा रहा है उनकी रिपोर्ट नहीं बल्कि जो दूसरी डॉक्टर है उनकी भी रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगी तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी कि वो डॉक्टर साहिबा जिनको अब मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर फातिमा रियाज जो है उन्होंने उन वो कौन है वो क्या करती रही हैं क्या वो वाकई दिमागी मरीजा हैं ये या कि उनके साथ वाकई ये सब कुछ हुआ है जो वो बता रही हैं तो ये सब कुछ मैं आपको उनकी बायोग्राफी की वो कहाँ से ताल्लुक रखती हैं मैं आपको बताऊंगी तो जनाब सब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर साहिबा हैं ये एक साइकियाट्रिस्ट हैं मैं देख रही थी कि ये जो यूट्यूबर्स जिनको आप लोग फॉलो करते हैं इतने जाहिल हैं कि इनको साइकियाट्रिस्ट नहीं बोलना आता चले साइकियाट्रिस्ट बोल लें अगर साइकियाट्रिस्ट नहीं बोलना साइकियाट्रिस्ट बोल लें ये बोल रहे थे साइकोट्रिस्ट नहीं यकीन आना आपको मेरी बात का खुद सुन लें सेक्रेटरी सेहत को कहा गया था कि आप एक आ, जो है दो रुकनी बोर्ड बनाए जिसमें एक वाले एड्रेस्ट भी कह रहे थे कि वो, वो, वो कह रही थी खान जो कराची से ना एक ड्रोनी आंटी है ना जो सबको डराती हैं झूठ बोलती हैं पीछे से आवाजें कसती हैं वो कह रही थी साइकिल वाले एड्रेस्ट तो अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा हैं, मैं इनके बारे में क्योंकि जिस तरह से ये बयान दे रही थी और इनकी जहनी सेहत के ऊपर जबरान नासिर साहब ने कई सवाल उठाए और इनको पागल बनाने की कोशिश की जबकि डॉक्टर साहिबा ये बोलती रहीं कि उनको नशावर अद्वियात पिलाई गई है जिसका असर जो है वो दो तीन दिन तक रहता है और उनका कहना था कि उन्होंने आगा खान से रिपोर्ट करवाई जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा है इकत्तीस अक्टूबर को उस रिपोर्ट का जो रिजल्ट आया वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया सबूत के साथ उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके यूरिन टेस्ट में वो तमाम चीज़ें आ गई हैं जो साबित करती हैं कि उनको नशा आवर अद्वियात पिलाई गई जिसकी वजह से वो इस तरह के बयान देती दिखाई दी अब जनाब अली मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फातिमा जो हैं फातिमा रियाज ये बेसिकली एक साइकियाट्रिस्ट हैं ये एम बी बी एस भी हैं और ये एफ सी पी एस भी हैं जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अगर हम बात करें इनकी इनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन की तो क्लाइंट्स की जो सेटिस्फेक्शन है इनके साथ वो 89% है विच इज़ ह्यूज़ परसेंटेज अगर हम बात करें इनके एक्सपीरियंस की तो ये पाँच साल से आ, काम कर रही हैं एज़ प्रेसिडेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर इनकी तालीमी काबिलियत की बात करें तो ये सीनियर रजिस्ट्रार रही हैं एट एस एम बी बी एम सी यानी कि डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसिस की उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकियट्री सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल में रही हैं 15 अप्रैल 2022 को यानी कि अभी भी ये प्रेजेंटली वहाँ पर काम कर रही हैं उसके बाद ये कंसल्टेंट साइक्यट्रिस्ट हैं एट ओमेड्सविन पी एच डब्ल्यू डब्ल्यू पी सिंध की उसके बाद ये कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट रही हैं रेंजर्स हेड क्वार्टर कराची की भी और फिर उसके बाद ये कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री सिविल हॉस्पिटल डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी रही हैं 2021 में और सितंबर 22 को इन्होंने ज्वाइन किया था जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ एम नहीं है बल्कि टॉपर भी रही हैं इसके बाद आ, जो हैं ये एफ भी रही हैं अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल है सवाल ये है कि अगर ये डॉक्टर साहिबा जो इतनी वेल क्वालिफाइड हैं जो टॉपर रही हैं तो क्या फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि इनकी जहनी सेहत के ऊपर कोई शक किया जा सकता है तो उस हवाले से मैंने इनके साथ मलर के हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने भी कलीग्स और डॉक्टर्स थे उन सबको कॉल्स की और सबसे मैंने ये प्रॉमिस किया क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हम लोग यहाँ के एम्प्लॉज हैं और सिंध के अंदर बहुत कुछ होता है और हम जो है ऑन रेकेड आकर ये बात नहीं करना चाहते ऑफ द रेकेट आप हमसे जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं आप ले सकती हैं मैंने पूछा उनका बिहेवियर कैसा है और क्लाइंट्स इनके बारे में कभी इनकी जहनी हालत पे कोई शक का इजहार करते हैं कोई शुभे का इजहार करते हैं तो उस पर इन्होंने इनके कलीग्स ने बताया कि आज से पहले ना तो हमने इनको कभी इस तरह की हरकत करते देखा ना इनकी हरकतों से ना ऐसी नोट की है ना हमने कभी इनको ऐसी बातें करते देखा ये सिर्फ और सिर्फ इनको हमने तभी देखा जब इनको कुछ ऐसा पिलाया गया या खिलाया गया और उसके बाद से ये इस तरह की हरकत और इस तरह के बयान दे रही हैं अदरवाइज इससे पहले हम इनको बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर पाया इनके ऊपर इनके रिव्यूज आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं गूगल पर रिव्यूज जो है वो आर्टिफिशली नहीं डाले जा सकते इनके आज तक के जितने भी पेशेंट्स हैं उन सब ने इनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं ये तो आ गई आपको समझ इनकी और मैंने आपको इनकी सारी बायोग्राफी भी बता दी कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन है कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या क्या काम करती रही हैं अब चलते हैं जी उस सूट की तरफ उन कपड़ों की तरफ जो उनको आ, रिश्वत के तौर पे दिया गया जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये सूट भी आपने देख लिया अब ये डॉक्टर साहिबा ने क्या किया कि इसको अटैच करके इसके साथ वो पांच हजार रुपए का नोट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा वो भी लगा के उन्होंने अदालत में जमा करा दिया ठीक है आप चलते हैं जी तीसरी बात की तरफ के जो जिब्रान नासिर और दूसरी साइड के जो लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये कह कर के डॉक्टर साहिबा की जहनी सेहत इसलिए ख़राब है क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोई चिप है जो लगाई गई है लड़की रोबोट बन गई है तो आपने शायद उनका बयान गौर से नहीं सुना उसमें वो खुद कह रही हैं कि मेरे मुंह से इस तरह की बातें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि मुझ पर इस वक्त नशे के असरात हैं मुझ पर इस वक्त बहुत हैवी किस्म की मेडिकेशन की गई है जो आगा खान लेबॉटरी की रिपोर्ट है वो खुद मुंह बोलता सबूत है अब यहाँ पर दो तीन सवाल है मेरे एक ये कि अगर वो डॉक्टर वाकई ही पागल होती उनकी जहनी सेहत खराब होती तो मुझे ये बताएं कि अदालत फिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके ऊपर तो फिर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ जाते हैं कि वो किस तरह से एक पागल डॉक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं पहला सवाल दूसरा सवाल ये है कि उनके तमाम कलीग्स बता रहे हैं कि उनके बारे में आज तक एक भी ऐसा बिहेवियर इशू नहीं आया जो कि अब दिखने को मिला है तो इसका मतलब है वो जो कह रही है सच कह रही हैं तीसरे नंबर पे जबरान नासिर और परी के वालिद इस तरह से पकड़े गए हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास बकायदा इस डॉक्टर के वीडियोस मौजूद हैं और हमारे पास जो है वो सीसीटीवी सी मौजूद हैं जिसमें वो हमारे घर तशरीफ़ लाईं तो आपको पता है कि जो डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर ने खुद लिखा है कि जब मैंने लड़की को सारा एग्जामिन कर लिया उसका पूरा बयान रिकॉर्ड कर लिया उसकी सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली तो उसके बाद उस लड़की ने जो जो कुछ डॉक्टर साहिबा को बताया हुआ था उसको क्लैरिफाई और उसको कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर ने विजिट किया परी के घर उनके वालदेन के घर और परी के के घर जो उन्होंने विजिट किया था उस पूरे अहवाल को उन्होंने पूरी उस लिस्ट में लिखा हुआ है वो कहीं छुपा या हिडन नहीं है उसमें उन्होंने एक एक बात लिखी है कि कैसे मैं उनके घर पे गई और मैंने उनके घर का क्या क्या माहौल जो है वो नोट किया अब आते हैं मेरे सोर्स की तरफ मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया है कि इन्होंने वाकई उनको कुछ इस तरह की अद्वियात पिलाई हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर डॉक्टर साहिबा झूठ बोल रही होती है, वो होती हैं हैं वो वो दिमागी मरीजा गलत बात कर रही है तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो कि आगा खान लेबोरेटरी से उन्होंने करवाई है वो कभी भी ना आती वो बिल्कुल वैसे ना आती जो वो बता रही हैं मतलब वो तो फिर साफ कलई खुल जानी थी अच्छा अब सारी बातें अगर छोड़ दें तो जो दूसरी डॉक्टर साहिबा हैं उनके जो रिपोर्ट है जो उन्होंने मुरतब की है उसमें से कुछ चंक्स हैं जो मैं पढ़ूंगी और मैं उसको ट्रांसलेट भी करूंगी अंग्रेजी में लिखी हुई हैं मैं आपको साथ साथ उर्दू में जितनी मुझे टूटी फूटी आती है मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी और उसके बाद जितने भी लोगों के दिलों में अगर कोई भाम रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा चलें स्क्रीन पे आप देखते जाएँ और साथ साथ मैं रीड करती हूँ सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगी क्योंकि रिपोर्ट बहुत लंबी है तो मैंने इसमें से कुछ कुछ चंक्स को रेड लाइन एरिया के साथ जो है ना वो सर्कल कर लिया है और मैं आपके सामने जो मुझे ज़रूरी पॉइंट्स लगे हैं वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ पेज नंबर थ्री के ऊपर अगर हम चलें तो इसके अंदर डॉक्टर साहिबा ने लिखा है कि ये दूसरी डॉक्टर हैं दो डॉक्टर्स गई थी ना चेकअप के लिए तो मैं इन डॉक्टर की बात नहीं कर रही जिनको मुतनाज़ कहा जा रहा है या किया जा रहा है ये दूसरी डॉक्टर की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ उसमें उन्होंने लिखा है कि हर मदर रिपोर्टेड दैट शी मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले गेम्स समटाइम्स वॉच टी वी ऑल्सो शी ऑल्सो मेक ड्राॅइंग शी शोड हर वन पेंटिंग एंड वन कैलीग्राफी वो कह रहे हैं कि जी लड़की जो है उसकी माँ ने हमें ये बताया यानी कि जब माँ के पास हम गए तो लड़की की माँ ने बताया कि वो कैलीग्राफी करती थी पेंटिंग करती थी गेम्स बहुत ज़्यादा खेलती थी शी वर्द शी फर्द रिपोर्टेड दैट शी डजेंट टॉक मच उसकी माँ ने ये भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी कब बात नहीं करती थी ये भी जरा सुन लें कि शी फर्दर रिपोर्टेड दैट शी टॉक मच एंड फोर मंथ्स बिफोर द इंसिडेंट ऑफ द किडनैपिंग यानी कि जो परी की वालदा हैं उन्होंने कहा कि चार महीने पहले से ही वो लड़की बहुत खामोश सी हो गई थी और बहुत कम बात करती थी जैसे कि आपको पता है कि लड़की ने कई मरतबा कहा कि उस पर मों सितम हो रहा था और उसको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था शादी के लिए तो ऑब्वियसली उसने खामोश ही होना था और ये बात अब आपके सामने सबूत के तौर पे मैंने पढ़ दी है अच्छा जी उसके बाद वो कहती हैं शी यूज टू बिकम क्वाइटर एंड टुक लेस इंटरेस्ट इन द यूजल एक्टिविटीज़ यानी कि लड़की जो है वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर गई बिल्कुल गुम गई बोलती ही नहीं थी और फिर उसने जो है ना किसी भी किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना भी छोड़ दिया इवन शी डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन यहाँ तक कि उसने अपनी पर्सनल हाइजीन खुद को साफ सुथरा रखना नहाना धोना फीमेल्स की जो पर्सनल हाइजीन होती है उसमें वो किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं लेती थी बस वो इसी तरह से खामोश हो गई और ये सब वो कब कर रही थी चार महीने पहले यानी कि चार महीने के बाद वो घर से निकली इसका मतलब है कि वो मैंटली बहुत ज़्यादा पहले से ही अपने घर के अंदर जब अपने वालदेन के पास मौजूद थी उस वक्त से डिस्टर्ब थी और डिस्टर्ब वो क्यों थी वो अपने इंटरव्यूज में आपको बता चुकी है अच्छा जी अब हम चलते हैं अगली, अगले पैराग्राफ की तरफ ये पेज नंबर थ्री पर ही है इस पे लिखा हुआ है डॉक्टर ने परी का नाम मैं परी का नाम नहीं लूंगी डैश ऑल्सो इनफॉर्म दैट शी वॉज इन टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज और ये भी पता चला है कि डॉक्टर ने लिखा है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी स्टडीज में पढ़ाई में अदर एक्टिविटीज़ एज शी वॉज़ इंटरेस्ट इन जही एंड यूज़ टू प्ले मोस्ट ऑफ द टाइम एंड लेट नाइट इवन अच्छा जी ये ज़रा गौर फरमाएँ डॉक्टर साहबा ने लिखा है कि वो जो लड़की है वो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट लेना था उसके माँ बाप उसे स्कूल ही नहीं भेजते थे तो वो कह रही हैं कि वो हर वक्त गेम्स खेलती रहती थी और हर वक्त जहीर के साथ जो है वो बातचीत करती रहती थी हर वक्त जहीर के साथ रबते में रहती थी उसके बाद उन्होंने लिखा है इवन के लेट नाइट भी वो उसी के साथ बात करती रहती थी फिर आगे वो कहते हैं कि जी यू नॉट हैव गुड ईटिंग एंड स्लीपिंग ना तो वो टाइम पे सोती थी और ना ही वो सही खाती थी ये उस वक्त की बात वो कर रही हैं जब वो अपने माँ बाप के घर पे थी और आगे वो कहती हैं कि मोस्टली शी लाइक टू ईट पिज्जा आ गई समझ आपको जो मैंने बताया था तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया था और फ्रेश फ्राइज एंड यानी कि उन्होंने कहा कि जब वो अपने माँ बाप के घर में थी तो पिज्जा खाती थी या फ्राइज खा लेती थी या बर्गर खा लेती थी माँ ने रोटी शोटी की कोई आदत डाली भी नहीं थी और हर वक्त वो गेम्स खेलती रहती थी और हर वक्त वो जहीर के साथ ही होती थी ये मैं नहीं कह रही ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं अच्छा उसके बाद पेज नंबर थ्री पे बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है शी ऑल्सो रिपोर्टेड दैट शी ईट प्रॉपर फूड एज देयर आर नॉट ऑफ हर चॉइस अच्छा लड़की ने बताया कि उसकी चॉइस के मुताबिक उसको खाना नहीं मिल रहा मतलब शेल्टर होम में एट शेल्टर होम लिखा हुआ अभी आगे ये अब डॉक्टर साहब आप बता रही हैं कि लड़की ने उनको जो जो कुछ शेल्टर होम में बताया उसमें उसने कहा कि मुझे शेल्टर होम में खाना ठीक तरह से नहीं मिल रहा और ना ही मेरी पसंद का जारी बात है वहाँ कौन पिज्जा और बर्गर देगा उसके बाद वो कहती हैं कि नीदर हैज शी हैड गुड क्लोथ्स उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है नॉट शी हैज़ थिंग्स फॉर हर पर्सनल हाइजीन यानी कि यहाँ तक उसके साथ सलूक हो रहा है कि उसके पास जो लड़कियों वाली पर्सनल हाइजीन की चीज़ें होती हैं वो भी नहीं है शी ऑल्सो रिपोर्टेड दैट देयर आर कैमराज इन हर एंड स्टाफ ऑल्सो कीप एन आई ऑन हर अच्छा वो कह रहे हैं कि लड़की ने बताया डॉक्टर को कि हर वक्त उसके ऊपर नजर रखने के लिए कैमराज लगाए गए हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है दैट शी फील सो अनकंफर्टेबल एंड कैन नॉट स्लीप यहां तक कि वो सो भी नहीं सकती क्योंकि जब वो सोती है तो वो उस वक्त भी डरती है ये कौन कह रहा है ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं मैं नहीं कह रही ये वो वाली डॉक्टर साहिबा नहीं कह रही जिनका बयान कल वायरल हुआ है ये वो वाली डॉक्टर साहिबा कह रही हैं जो दूसरी डॉक्टर साहिबा साब गई थी ठीक है अच्छा इसके बाद मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ज़रा पेज नंबर टू के ऊपर आ जाएँ ये रिपोर्ट में डॉक्टर साहबा लिख रही हैं शी रिपोर्टेड दैट शी यूज़ टू तो सी ड्रीम्स यानी कि परी ने उनको बताया कि वो हमेशा ख्वाब देखती रहती थी ऑफ हैप्पी लाइफ खुश ज... खुशगवार ज़िंदगी के ख़्वाब देखती थी मुझे बताएं खुशगवार ज़िंदगी के ख्वाब वो ही देखता है जिसको कोई तकलीफ होती है अपने घर में तो हर कोई अगर खुश हो तो वो बाहर क्यों खुशी तलाश करेगा उसके बाद वो लिखती हैं With जहीर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ। शी रिपोर्टेड that शी यूज टू सी ड्रीम्स ऑफ हैप्पी लाइफ विद जहीर आ गई समझ ये उनके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है जो ये झूठ बोलते थे कि लड़की तो किडनैप हुई है लड़की को तो जबरदस्ती ले जाए ले जाया गया था लड़की को तो आगे अफगानिस्तान और ईरान में स्मगल करना था वो क्या कह रही है रिपोर्ट में डॉक्टर साहिबा को वो कह रही है कि मैं तो जहीर के साथ खुशगवार जिंदगी के खाब देखती थी और आगे वो लिखती हैं कि ही हैड promised हर दैट ही वुड फुल फिल्ड हर ड्रीम्स उसने बताया कि जहीर ने उससे वादे किए कि वो उसके हर तरह के ख्वाब पूरे करेगा एंड ही वुड टेक हर टू दुबई और वो उसको दुबई ट्रिप के लिए या सैर के लिए भी लेकर जाएगा एंड अदर प्लेसेज ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया के दूसरे जगहों पर भी उसको लेकर जाएगा शी फर्दर रिपोर्टेड दैट हिज फादर वॉजेंट इन फेवर ऑफ हर मैरिज विद जहीर अब ये मैं नहीं कह रही ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि परी ने उनको शेल्टर होम में ये बताया कि वो शादी करना चाहती थी जहीर के साथ लेकिन उसके वालिद जो थे वो सख्त बरहम थे नाखुश थे और he wanted to tie her not, uh, not दूसरे वाला, 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 वाला कि जिसमें किसी से एंगेजमेंट या कोई रिश्ता बांधा जाता है यानी कि शादी तो ही वॉन्टेड टू टाई हर नॉट वेडिंग विद हर पेटर कजन लो जी जैन का भी उसने जिक्र कर दिया ये डॉक्टर साहिबा को शेल्टर होम में अभी लेटेस्ट बयान दिया है उस लड़की ने जिसमें वो कह रही है कि मेरे पटर्नल कजन के साथ मेरे वालिद मेरी शादी करना चाहते थे उसके बाद वो आगे क्या कह रही है कि हु हैड कम टू हर होम और वो उसके घर में भी था फ्यू मंथ्स बैक ऑन हर मेटरनल अंकल मैरिज लो जी यानी कि वो उनके घर में लड़का रह रहा था जो इससे पहले वो आपको बता चुकी है मेरे इंटरव्यूज में कि उसके घर में वो लड़का उन्होंने ला के रख दिया हुआ था लड़का तो नहीं आदमी जो उससे एज में बहुत बड़ा था फिर उसने लिखा है शी डजेंट लाइक हिम डॉक्टर लिखती है कि उसने कहा कि मैं उस लड़के को उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी एज ही यूज टू टीज हर बाय पुलिंग हर हेयर वो उसके बाल नोचता था एट हर होम उसी के अपने घर के अंदर उसके वालदेन के घर के अंदर वो उसको छेड़ता था उसके साथ नामुनासिब हरकत करता था और उसके बाल खींचता था एंड ऑल्सो ही इज वेरी मच ओल्डर देन हर ये भी डॉक्टर ने लिखा है कि वो एज में भी उस लड़की से बहुत बड़ा है ये मैं नहीं कह रही ये अभी तीन महीने गुजारने के बाद शेल्टर होम में ताजा तरीन बयान है ठीक है जो मैं आप लोगों को बताती रही अल्हम्दुलिल्लाह ही ला तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैंने हमेशा सच का साथ दिया शी फर्दर इन्फॉर्म दैट व्हेन हर पेरेंट्स केम टू नो अबाउट द फ्रेंडशिप विद जहीर वो कहती हैं कि उसके बाद लड़की ने हमें डॉक्टर कहती हैं कि लड़की ने हमें यह बयान दिया कि जब उसकी फ्रेंडशिप जहीर के साथ उसके वालिद को पता चली वंस हर फादर बीटन हर उसके बाप ने उसको फिर बहुत मारा एंड टुक बैक हर मदर्स मोबाइल फ्रॉम हर और जो फोन उसको दिया हुआ था वो भी उससे छीन लिया लेटर शी सेट दे ओनली गिव हर मोबाइल फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन फिर बाद में कुछ अर्से के बाद उसे बहुत कम टाइम पीरियड के लिए जो है वो फोन मिलने लगा शी रिपोर्टेड दैट अदरवाइज हर फादर इज वेरी गुड उसके फादर का वैसे उसके साथ बिहेवियर ठीक था लेकिन जब ये सारा कुछ होता था और वो लड़के का नाम अपने वालिद के सामने लेती थी तो उसको मार पड़ती थी और साथ में वो जो घर में उन्होंने उसका मेटरनल या पेटरनल कजन था पटरनल कजन था वो लाके रखा हुआ था और उसके साथ वो उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे जिसकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ अब आपके सामने दूसरी डॉक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है जिसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कम्युनिटी में भी लगा दूंगी इसको जूम करके भी आप लोग रीड कर सकते हैं आपके सामने सारी सच्चाई मैंने रख दी है आपको खुद पता चल गया है अब कहाँ गए वो यूट्यूबर्स जो आपको ये कहते थे कि पांच घंटे की जो वालिद के साथ मुलाकात हुई है लड़की की उसमें लड़की ने बताया कि जी मुझे थप्पड़ मार मार के बयान मुझसे दिलवाए जाते थे कहाँ हैं वो लोग क्योंकि यहाँ डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा और एक डॉक्टर नहीं दो डॉक्टर्स हैं ना एक को तो चले आपने मुतनाज़ करार दे दिया एक को तो आपने पागल करार दे दिया जिनके जिनको तो अभी हम साइड पर कर देते हैं जो दूसरे डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट आपके सामने है आप चलते हैं पेज नंबर फाइव की तरफ जिसे एंड पे डॉक्टर ने कंक्लूड किया है और परी को पांच बीमारियां बता दी हैं उनमें से जो मेन है वो कहती हैं कि आफ्टर डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन जो सबसे उन्होंने लास्ट में लिखा है उसमें वो लिखती हैं कि आफ्टर डूइंग डिटेल क्लिनिकल इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इट इज़ कंक्लूडेड दैट परी इज गोइंग थ्रू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड इमोशनल टर्मोइल ड्यू टू द ट्रामा होमलैसनेस मे और मे नॉट ड्यू टू हर ओन विल इन्वायरमेंटल सरकमसटांसिज एंड कंसिडरिंग हर करंट सिम्टम्स एंड बिहेवियर फंक्शनिंग शी इज गिविंग द टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ द पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एंड पे डॉक्टर ने लिखा है कि जी पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डॉक्टर उजमा है ये जो ये लिख रही हैं कि जब वो लड़की यहां से लाहौर से गई तो उस वक्त उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी ओके थी अब जो तीन माह से वो वहां शेल्टर होम के अंदर बर्दाश्त कर रही है और जो जो कुछ उसके साथ हो रहा है तो जाहिर बात है ये सारी चीजें तो उसके साथ होनी है लेकिन डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अगर उसको प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस दी जाए कुछ उसकी मेडिकेशन की जाए कुछ उसकी थेरेपी की जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि जो उसके ऊपर घड़ी गुज़र रही है जो उसके ऊपर लम्हात गुज़र रहे हैं ये तो वही जानती है और उसने बताया है कि मेरे सर के ऊपर 24 घंटे मौजूद रहते हैं मेरे ऊपर कैमराज लगा के रखते हैं मैं सो नहीं सकती मुझे फूड नहीं दिया जाता मेरे पास पर्सनल हाइजीन की चीज़ें नहीं हैं मेरे पास कपड़े नहीं हैं अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जहीर ने उसके बेशुमार कपड़े लेके रखे हुए हैं लेकिन जारी बात है वो वहाँ जाके दे नहीं सकता जब तक कि उसकी मुलाकात नहीं होती हम में से कोई उस तक कोई चीज़ नहीं पहुँचा सकता इस वजह से उसके पास चीज़ें नहीं हैं और उसने बता दिया है कि वो अपने शोहर ही की बीवी है और उसका बयान अब भी वही है और उसने बता दिया है कि मैं अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती हूँ ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं कुछ ऐसे सबूत मेरे पास हैं जो कि अगर मैं आपको दिखा दूँ ना तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए लेकिन वो मैंने अभी होल्ड करके रखे हुए हैं वो सबूत मैं आने वाले वक्त पे जाहिर करूँगी अभी मैं सिर्फ वो चीजें बता रही हूँ जो कि ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं ताकि कोई बिला वजह का इल्जाम या मैस मैं क्रिएट नहीं करना चाहती ना सुनना चाहती हूँ ना देखना चाहती हूँ अब आवाम मैंने आपके सामने दोबारा से फिर से सच्चाई रखी है हमेशा से सच्चाई आपके आगे रखी है फिर से सच्चाई आपके सामने रख दिया है आपने देख लिया है कि डॉक्टर उस्मा ने भी अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है और जो इससे पहले ये वाली डॉक्टर हैं जिनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है जिनको पागल कहने की या करने की कोशिश की जा रही है जिनको नशा और अद्वियात पिलाकर उनका दिमाग ख़राब किया गया उनकी रिपोर्ट में और डॉक्टर उमा की रिपोर्ट में कोई भी फ़र्क नहीं है मजे की बात यह देखें कि उनको तो आपने पागल करार दे दिया ये तो पागल नहीं है और अभी एक और डॉक्टर आएंगी एक नया मेडिकल बोर्ड में एक और नई डॉक्टर को शामिल किया जाएगा उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है तो ये था अब तक का वीडियो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा अगर अब भी आपकी कोई क्वेरीज हैं कोई सवाल हैं तो आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए और ये भी बताएं कि सूट कैसा लगा पाँच हजार का नोट कैसा लगा और अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो लड़की अपने वालदेन का नाम भी क्यों सुनना नहीं चाहती इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ने